अरे ये तेरी तरह गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल, समझी? कब से मेरा दिमाग चाट रही है, अब तोड़ दी रही है। पिताजी को मालूम पड़ेगा तो तुझे ठीक करेंगे। पिताजी क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है? अब आएगा मजा, दरवाजा खोल, डांटेंगे तुझे। आइए पिताजी जी। क्या तोड़ दिया तूने? गधे की औलाद, ये सब क्या है? लड़कों जैसे कपड़े पहनाकर बहू को क्या बना दिया तूने? मैंने नहीं पिताजी, इससे तो वो तो सीधी सादी गांव की लड़की है, गृह लक्ष्मी, उसे सब क्या मालूम? सब तेरा काम है। नहीं पिताजी, मैंने तो बात मत कर, दोबारा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसनी है कर दूंगा तेरी, समझा? बहू बेटा कपड़े बदलो, उल्लू का पट्टा, चलो। उल्लू की पट्टी? तेरी वजह से मुझे डांट, तेरी वजह से आज मुझे डांट पड़ी। किसने बोला तेरे को ऐसे कपड़े पहनने को? बड़ी मटक रही थी है करके। खड़ी उठो, खड़ी उठो, खड़ी उठो, खड़ी उठो, टांग पकड़। एजी चुप, एजी के बच्चे। लो किशन आ गया। यार किशन, क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह, आंखें क्या है झील की तरह गहरी, और कमर लचकती हुई फूलों की डाली। एक ही पीस है दुनिया में। मर गए यार। क्यों, क्या हुआ? मेरा बंबई ट्रांसफर हो गया है। तो उसे मरने की क्या बात है? बेटा तुझे खुश होना चाहिए, तुझे बंबई देखने को मिलेगा। तू समझता नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी को नौकरी मिली है, उसे अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अब तू ही बता यार, मैं इस मुसीबत से निकलूं कैसे? यार किशन, क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह, आंखें क्या है झील की तरह गहरी, और कमर लचकती हुई फूलों की डाली। एक ही पीस है दुनिया में। सुन, अगर तेरी जगह कोई और चला जाए तो? आई विल बी वेरी लकी यार, मैं उसके पांव पकड़ लूंगा। मगर मेरी जगह जाएगा कौन? तेरी जगह मैं चला जाता हूँ यार। तू? हाँ, थैंक यू वेरी वेरी मच यार। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए दोस्त। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी। रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर परदेश जा रहे हो। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए मजबूरन तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। वापस कब आओगे? बहुत जल्दी। सच्ची? मुझी? और फिर तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। हाँ। सच्ची? किशन, टैक्सी आ गई। आया। अच्छा बाप। जीते रहो, ले। चलता हूँ। एजी, वक्त पर खाना खा लिया करना। हाँ बिल्कुल। हर इतवार को तिल की मालिश कराना मत भूलना। मैं बोलूंगा। और क्या बोलूं? अब जब याद आ जाए तो चिट्ठी लिख देना, मैं सब कर लूंगा। अब जाने दो, नहीं तो गाड़ी छोड़ जाएगी। जल्दी करो जल्दी। अच्छा बेटा जी। हाँ देखो बेटा, बम्बई जाकर एक घर किराए पर ले लेना जी, और बाद में बहू को ले जाकर वहाँ गृहस्थी बसा लेना। अबे उल्लू के पट्टे, जाने से पहले बहू को जयराम जी तो करके जा। अच्छा चंदो, मैं चलता हूँ। जयराम जी की। अच्छा Thank you.
Excuse me. Yes. मुझे कमरा चाहिए। आपकी बुकिंग है? जी नहीं, माफ कीजिए, रूम्स खाली नहीं, होटल फुल है। देखिए मुझे एक सिंगल रूम की जरूरत है बस। ना सिंगल रूम खाली है ना डबल रूम खाली है, मगर क्या बेड़ो इधर नवा नवा आया है क्या? हाँ, जब ये बोरिया बिस्तर लेके पार्क के चबूतरे में धरना जमा आया है। अरे यार धर्मशाला का पलंग समझ रखा है क्या? क्या करता साहब, किसी होटल में जगह ही नहीं मिली इसलिए। अरे तो ऐसा बोलना, अपन जगह दिलाता है। सच? हाँ, अपन का नाम बाकेलाल है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सब मामला फिट कर दूंगा, मगर एक रात का 100 रुपया होएगा। एक रात का 100 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो फिर इधर ही बैठ, पुलिस आएंगी पकड़ के ले जाएंगी, अंदर कर देंगी, 200 रुपए धर जाएगा समझे? ओ सब ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो माल निकाल। माल 100 रुपया? हाँ। हाँ बेटू ये रही तेरी जगह। ये झोपड़े में? ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है। अरे बेटू बाहर से गंदा है, अंदर से तो ताजमहल है। तो ये है मेरा ताजमहल। ये ले 50 रुपए, किराया बढ़िया लाया हूं। 100 रुपए की चपत तो लग गई, लगता है बंबई में सारे चोर उचक्के ही रहते हैं। चलो एक रात की तो बात है, कल कोई और इंतजाम कर लेंगे। ये कौन से तबले की थाप थी? चोर नहीं, अरे आप क्या, तुमसे जानती हो ये इतना बड़ा चोर है? आप इसे समझाइए मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ मुझे भैया, चोर नहीं है, छोड़ देने, छोड़ देने भैया। ये मिस्टर किशन है, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ, ये हमारे ही फर्म में काम करते हैं और ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओहो, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी भाई साहब, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है उनका यही हाल होता है, सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। चुप रहो भैया। मिस्टर किशन, ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं आपको, आपका बंबई शहर भी बड़ा अजीब शहर है। वो हुआ ये कि मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है, बड़ा दिलचस्प हादसा हुआ आपके साथ। आप लोगों को हंसी आ रही है, मेरे तो अभी तक पसीने छूट रहे हैं। ये तो शुक्र है कि मैं इस घर में घुस गया, अगर कहीं और घुसा होता तो वाकई पुलिस ले जाती मुझे। हाँ वैसे इस शहर में आपके स्वागत की शुरुआत तो बुरी नहीं थी, बाद में जरा गड़बड़ हो गई। अब जो होना था सो हो गया, अब आप जाके आराम कीजिए, कल मैं आपको ऑफिस ले चलूंगी। भैया इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। चलिए पहले तो मैं आपको अपने संगीत की नई कॉम्पोजिशन सुनाऊंगा। मिस्टर किशन, हमारे भैया का संगीत कुछ अलग ही ढंग का है। भैया आज इन पर रहम करो, आज इनमें भागने की ताकत नहीं है। गुड नाइट। अरे तुम क्या जानो संगीत के बारे में, आइए जाइए मैं आपको सुनाऊंगा। आइए, आप वाकई संगीतकार? बहुत बड़ा संगीतकार हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मिस्टर किशन है, ये इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर हमारे ऑफिस में आए हैं। अच्छा अच्छा, आप ही मिस्टर किशन हैं? जी हाँ, दीज आर माय ट्रांसपोर्टर्स। बैठिए। थैंक यू सर। देखिए आप आज ही अपना चार्ज ले लीजिए। राइट सर। ओह
भाई बनकर बनकर संगीत की इतनी बेइज्जती मत कर। संगीत सम्राट को तुम संगीत सिखाओगे? सम्राट जी, सारे सुर आपस में मिलकर एक दूसरे पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज नहीं, ये राग मालकौंस है, तीन ताल में, और इसे बांसुरी कहते हैं। अच्छा, कभी देखिए, बजाइए। किशन नाम मेरा है। खाली नाम किशन होने से आदमी को बांसुरी बजानी नहीं आ जाती, उसके लिए सुरताल का भी ज्ञान होना चाहिए। अजी, मुझे मौका दीजिए, शायद मैं। हाँ, बजाओ। ठीक से पकड़नी भी नहीं आती, बजाओगे क्या खाक? अभी सुनिए। वाह, मैं तो हैरान हो गई थी कि भैया के कमरे से इतने सुरीले सुर कैसे सुनाई पड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जय गुरुजी। अरे, ये क्या कर रहा है? गुरुजी, गुरुजी, आप मुझे मिल गए हैं, अब मैं संगीत की दुनिया में तहलका मचा दूंगा। अच्छा, हाँ तो ये लो फिर। दरअसल मैं ये कहने आया था कि मुझे रहने के लिए छोटी सी जगह मिल गई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या, चला जाऊंगा? यहाँ कोई तकलीफ है आपको? राधा, तुमने कोई तकलीफ दी इन्हें? नहीं तो शादी ने हमारा खाना पसंद नहीं आया। हाँ, चाय मिली होगी तो ठंडी, ठंडा मिला होगा तो गरम। कैसी बात? या फिर हम लोग इनके बराबरी के नहीं है जो यहाँ से जाना चाहते? अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, उल्टा मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। अब मैं आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। तो मत बनिए बोझ, जो किराया आप वहाँ देंगे वही हमें दे दीजिए। हाँ करेक्ट, हमारे बुजुर्ग इतना बड़ा मकान बनाकर गए हैं, बस हम दोनों यहाँ रहते हैं, इतने सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप भी यहाँ रह जाइए ना, जब आपकी फैमिली आ जाए तब चले जाइएगा। फैमिली? तब तो लगता है मुझे हमेशा यही रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप भी हमारी तरह ही हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। भाई वाह, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। होता है कभी कभी, नींद नहीं आती। कभी कभी खामोशी बड़ी अजीब लगती है। खामोशी एक जबान है, एक सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समझ में नहीं आते। सोचने से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, ये तो अपनी अपनी हिम्मत पर है। नहीं, ये तो अपनी अपनी किस्मत पर है। कहना चाहता है लेकिन कहता नहीं है। मैं पहले अपने दिल की बात कह दूं, मैं भला क्यों कहूं? कुछ कहना भी चाहूं तो आवाज गले तक ही रह जाती है। कहूं भी तो क्या कहूं, कैसे कहूं? तुम मिली लेकिन बहुत देर से मिली।
राधा 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 सिस्टर, माय डियर सिस्टर, गुड न्यूज हैप्पी डे। क्या हुआ भाई, उछल क्यों रहे हो, बात तो बताओ। पहले मुंह मीठा करो और आप भी मुंह मीठा करो। अरे हुआ क्या, ये तो बता। अब सुनिए, मुझे एक वीडियो फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट तो टेबल पे है। फैंटास्टिक। दैट्स गुड। लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। मदद? हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? आप दोनों चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल गया है, हाँ। लेकिन आर्टिस्ट नहीं मिल रहे। अब कुछ लोग देखे भी ना सूरत ना शक्ल, भाड़ में से निकल और पैसा मांगते हैं मुंह फाड़ कर। मुझे? आप दोनों तो घर के ही हैं, आप मेरी फिल्म के हीरो बन जाइए। क्या? और तुम हीरोइन? क्या मतलब? पागल है क्या? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, सब संभाल लूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन हमें सब नहीं आता। ये देखिए देखिए, अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो मुझे 1,00,000 का नुकसान हो जाएगा। सब तो ठीक है, लेकिन हाँ कर दिया, कर दिया। तुम भी वादा कर दिया, कहाँ फंसा रहे यार।